अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप किसी के भी मोबाइल में पड़ी हुई तस्वीरों को, वीडियो को अपने मोबाइल में किस तरह से देख सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूँ। तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है ताकि तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि सब लोगों को इस तरीके का पता चल जाए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जिसके बंदे की भी तस्वीरें या वीडियो आपने अपने मोबाइल में देखनी है, उसके मोबाइल की गैलरी को आपने ओपन कर लेना है। उस बंदे का मोबाइल पकड़ कर गैलरी ओपन करें और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी तीन लाइनों की, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर एल्बम की भी ऑप्शन मिलती है और सेटिंग्स की भी मिलती है। शेयर एल्बम वाली ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, इसका तरीका थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूँ। आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वाली ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी जीमेल आईडी यहां पर लगा देनी है। अपनी जीमेल आईडी यहां पर लगाने के बाद ये बंदा जिसके मोबाइल में आप ये सेटिंग करेंगे, वो अपने मोबाइल में कोई भी तस्वीर डालेगा, कोई भी वीडियो डालेगा, तो वो आप अपने मोबाइल में आराम से, सुकून से देख सकते हैं। बस इतना सा काम है। इस तरह से आप किसी के भी मोबाइल की तस्वीरों को, वीडियो को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।